कौन चीखा? चीख तो लड़की की। ये काफी डरा हुआ है, होश में लाओ इसे। ठीक हो जाएगा तो बातचीत करेंगे। कहाँ पे? सर उधर। सर उसके शरीर पे कोई घाव नजर नहीं आ रहा। शायद कोई अंदरूनी चोट होगी। ये गला चेक करो, गला घुटने का निशान है। सर इसे गले पे तो कोई निशान नहीं है, लेकिन इसका शरीर पीला पड़ गया। सर लग रहा है जैसे बॉडी से सारा खून निकल गया। सर तो ये देखिए, इसके हाथ पे कुछ अजीब से निशान। छोटे छोटे घाव है और इनमें से खून भी निकल रहा है। ना चेक करो, और कुछ मिलता है? सर आसपास पूरा एरिया देखो ठीक से। क्या हुआ, क्या था, तुमने क्या देखा? जी मैंने हॉर्न की आवाज सुनी और यहाँ आके देखा तो यहाँ ये लड़की मरी पड़ी थी। लड़की की चीख नहीं सुनी तुमने? नहीं साहब। हॉर्न की आवाज सुनी और लड़की की चीख नहीं सुनी। लड़की कहीं और मरी है क्या? सर यहाँ आसपास हाथापाई के तो कोई भी निशान नहीं, लेकिन हाँ ये सोने की चेन मिली है। किसकी हो सकती है, लड़की की या खूनी की? सर
सर ये टैक्सी ड्राइवर होश में आ गए, सब कुछ बताने को तैयार है। बताओ क्या देखा था तुमने? एक आदमी उस लड़की के ऊपर झुका हुआ था, इसका खून पी रहा था। आदमी खून पी रहा था? हाँ, उसके मुंह पे मैंने खून देखा सर। उस आदमी को दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? नहीं सर, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। अरे कमाल कर रहे हो, मुंह पे खून देखा और तुमने चेहरा नहीं देखा? सर उसका बाकी चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था और खून पीते देखकर मेरी हालत खराब हो गई थी सर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था सर। सर खूनी ने सारा खून पी लिया है, इसलिए लाश पीली पड़ गई। अच्छा, इस लड़की ने एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, ये पता लगाओ किस एयरलाइंस में काम करती थी ये। ठीक ठाक थी, अचानक खून कैसे हो गया उसका? सर ये दोनों दिव्या की बहुत अच्छी फ्रेंड है, इन्हें मालूम है उसके बारे में। ये दिव्या है? आखिरी बार कब देखा था आप लोगों ने दिव्या को? कल शाम को हम सब फ्लाइट से लौट रहे थे, काफी देर तक हम साथ ही थे, उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चली गई। कितने बजे लौटे थे आप लोग फ्लाइट से? शाम के 6 बजे के आसपास। तो दिव्या शाम के 6 बजे लौट के आई और उसी रात 3 बजे उसका खून भी हो, मतलब वो यहाँ से घर गई नहीं। दिव्या यहाँ से घर जाने के लिए निकली थी? नहीं सर, वो किसी से मिलने जाने वाली थी। किससे? शायद सर रत्नेश नाम है उसका। ये रत्नेश कौन है? बहुत ही अमीर आदमी है, उसने दिव्या को वादा किया था जॉब देने के लिए। अच्छा, दिव्या एयर होस्टेस के कपड़ों में ही गई थी रत्नेश को मिलने के लिए जॉब के सिलसिले में? जी सर, रत्नेश ने ही उससे कहा था एयर होस्टेस के कपड़ों में आने के लिए। ये बात आप लोगों को कैसे मालूम? जिस वक्त रत्नेश का फोन आया था उस वक्त दिव्या हमारी साथी थी, दिव्या ने ही हमें बताया था। अच्छा, उसने बताया कि वो रत्नेश से मिलने के लिए कहाँ जा रही है? रत्नेश ने उसे ओशिवारा मिलने के लिए बुलाया था। सर रत्नेश ने दिव्या को ओशिवारा में बुलाया था और हमें दिव्या की लाश भी ओशिवारा में ही मिली थी। सर रत्नेश के हाथ इस खून में रंगे हैं। ओशिवारा में ढूंढना पड़ेगा ये रत्नेश कहाँ है, खून के धब्बे सूखने से पहले। पूरे 25 रत्नेश है इसी रे में, मगर कोई भी ऐसा नहीं है जिसने फोन करके दिव्या को अपने घर पे बुलाया था। अब बचा ये आखिरी वाला रत्नेश। हो सकता है ये आखिरी वाला रत्नेश ही हमारा रत्नेश हो जिसने दिव्या को बुलाया। हो सकता है। काफी सन्नाटा। सर जब जब सन्नाटा होता है कोई ना कोई बुरी खबर सुनने को ही मिलती है। चुप रहो फ्रेडी। बोलिए साहब किससे मिलना है? आप रत्नेश हैं? जी मैं रत्नेश नहीं हूँ। तो फिर रत्नेश कहाँ है? लेकिन आप लोग कौन है? CID। CID? आप कौन है? जी मैं शेखर हूँ, रत्नेश जी का केयर टेकर। तो फिर बुलाओ रत्नेश को। रत्नेश तो घर में नहीं है साहब। आप जरा ये चेन देखिए, इसे पहचानते हैं आप? ये चेन तो रत्नेश जी की। रत्नेश की चेन है ना? तो बुलाओ रत्नेश को। लेकिन रत्नेश जी घर में नहीं है। तो गया कहाँ? पता नहीं साहब। किस बात के केयरटेकर हो तुम? हैं? तुम्हें पता नहीं रत्नेश गया कहाँ, कब आएगा? चलो ऑटो घर की तलाशी लेंगे। अब जी फैल जाओ, अच्छी तरह से देखो। शेखर जी। जी वैसे रत्नेश काम क्या करता है? काम क्या करते हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन राज परिवार से उनका रिश्ता है। राज परिवार? जी। अच्छा यही रत्नेश है क्या? जी। किसका बैग है ये? अरे साहब ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने पूछा बैग किसका है, रत्नेश का है? जी शायद। देखो चुप रहने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो फंस जाओगे। किसका बैग है? जी मेरा है। अच्छा
भागने की तैयारी में थे साहब। भागने की तैयारी में थे हैं? रत्नेश घर पर नहीं है तो फरार होने की सोच रहे थे? पता कहाँ जाने वाले थे? जल्दी बताओ, अगर चुप रहोगे तो इसका एक ही मतलब है कि तुम रत्नेश के साथ गुनाह में शामिल हो। बताओ। लेकिन साहब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं। अच्छा, गुनाह किया ही है? तो फिर ये क्या है? 50,000 रुपए, पासबुक, चेकबुक। अरे ये तो रत्नेश की पासबुक है। और चेकबुक? ये भी रत्नेश का है। क्यों? रत्नेश की बैंक का पासबुक, रत्नेश की बैंक का चेकबुक, रत्नेश के 50,000 रुपए। रत्नेश का सारा माल लेकर कहां भागने की तैयारी में थे? फ्रिज के अंदर कपड़े? सर इसमें तो खून लगा हुआ है। हाँ सर, बेडशीट और शर्ट मिली है, दोनों फ्रिज में छुपा के रखे हुए थे और इन पे खून लगा हुआ है। किसके कपड़े हैं ये? किसके कपड़े? जी मुझे नहीं मालूम। केयर टेकर साहब कैसे आदमी को समझ में नहीं आ रहा है? मालिक का पैसा लेके भाग रहे थे, घर में खून से सने कपड़े हैं और इनको कुछ पता नहीं है? किसकी शर्ट है? रत्नेश की शर्ट है? किसकी शर्ट है ये? किसके कपड़े हैं? दिव्या का खून हुआ यहां पर। अच्छा, बहुत बड़ा शौक लगा है तुम्हारा। मुंह तो हम ब्यूरो में खोलेंगे। जब ये लाश आप लोगों को मिली, इस लड़की का मुंह ऊपर की तरफ था या नीचे की तरफ था? सारा रिपोर्ट देना पड़ेगा। पूछेगा एसीपी कहां पे खड़ा था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप लोगों से, इस लड़की का मुंह ऊपर की तरफ था या नीचे की तरफ था? सचिन बताओ। सर लड़की का मुंह तो ऊपर की तरफ था, मगर आप ये इस लड़की की लाश को अच्छी तरह से देखो, समझो और फिर बोलो। वैसे सालुके साहब, लाश के बादशाह तो आप हैं, अब लाश के बारे में तो आप ही समझते हैं अच्छी तरह से। बस हो गया, बादशाह कह दिया और अपने हाथ झाड़ लिए। एनीवे, ये तो आप जानते हैं कि शरीर में जब आदमी की मौत होती है, सबसे ज्यादा खून नीचे की तरफ आ जाता है, पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से। शरीर का जो हिस्सा जमीन को छूता है, सारा का सारा खून वहां आकर के जमा हो जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। क्या मतलब? मैं बताता हूं। ये देखो बस, अगर ये हिस्सा जमीन को छू रहा था तो फिर ये हिस्सा काला क्यों नहीं हुआ? क्यों काला नहीं पड़ा सर? खून की वजह से। ये हिस्सा इसलिए काला नहीं हुआ, इसके शरीर में खून था ही नहीं, एक कतरा खून भी नहीं था। क्या बोल रहा है सर? उनके शरीर में खून था ही नहीं? ना, बिल्कुल नहीं। टैक्सी वाला शंभू भी बता रहा था कि उसने रत्नेश को खून चूसते हुए देखा। हाँ? और एक बात। क्या? बस इस लड़की की बॉडी पर मुझे सुइयों के निशान मिले। ये देखो, ऐसा लगता है बॉस इस लड़की का खून निकाला गया है। मरने के बाद खून कैसे निकल सकता है? जब इसका खून निकाला गया, ये लड़की जिंदा थी। क्या? हाँ, मतलब रत्नेश ने सारा का सारा खून चूस लिया। सर, सर रिपोर्ट से ये पता चला है कि कपड़ों पे जो खून लगा हुआ था वो इस लड़की का नहीं है। तो फिर वो खून है किसका? वो खून इस लड़की का नहीं है तो इसका मतलब है किसी और का भी खून किया है इस रत्नेश ने। सचिन जरा इसके मुंह का ताला खोलो। बताता है या नहीं? क्या बताओगे? ना बताओ, इस लड़की के अलावा रत्नेश ने और किस किस का खून किया है?
मैं सच कह रहा हूं सर, मुझे कुछ नहीं पता। तुम रत्नेश के केयरटेकर हो तो रत्नेश क्या करता है, कहां जाता है, सब कुछ मालूम है तुम्हें, आया ना? तो फिर बता, क्या ये लड़की कभी रत्नेश से मिलने आई थी? सर मैं कह रहा हूं ना, वाकई मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर ये भी रत्नेश से मिला हुआ है और इन दोनों ने मिलके खून चूसा है, ये झूठ है? ये कोई झूठ वूठ नहीं, तुम्हारे घर से हमें खून से सने हुए कपड़े मिले और तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ नहीं मालूम है? बताओ कहाँ है रत्नेश? सर वो खून वाले कपड़े देखकर तो मुझे भी झटका लगा, चुपके से किसी ने लाकर रख दिए, कहां से आए पता ही नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम, हो सकता है रत्नेश गायब नहीं हो, मर चुका हो और तुमने उसके कपड़े छुपा दिए। रत्नेश का खून तुमने ही किया, तुमने ही किया रत्नेश का खून। उसके पैसे, उसके बैंक के पासबुक, चेकबुक सब लेकर भाग रहे थे तुम। मैंने रत्नेश को नहीं मारा, वो जिंदा है। क्या वो जिंदा है? तो फिर है कहां? वो कहां है ये नहीं मालूम। घर से कब निकला था रत्नेश? कल शाम को। कितने बजे? 5 बजे के करीब। कह रहा था कि डॉक्टर के पास जा रहा हूं। किस लिए? रत्नेश को हकलाने की आदत है, इसी के लिए डॉक्टर के पास गया था। फिर ये रत्नेश निकला तो था डॉक्टर के पास जाने के लिए, लेकिन वहां नहीं पहुंचा। रत्नेश के परिवार वाले या कोई जान पहचान वाले लोग हैं यहाँ पर इस शहर में? रत्नेश के एक चाचा है धर्म जी, इसी शहर में रहते हैं। रत्नेश के परिवार से उनके बहुत अच्छे संबंध है। तो ये रत्नेश जरूर इस धर्म चाचा से मिलने की कोशिश करेगा। शेखर जी, धर्म जी का एड्रेस चाहिए हमें। ये शेखर बड़ा शातिर है, टुकड़ों टुकड़ों में कहानी बता रहा है हमको। कौन है आप लोग और अंदर कैसे आ गए? रत्नेश क्या लगता है तुम्हारा? जी मेरे चाचा का लड़का है, लेकिन आप लोग कौन है? आखिरी बार कब मिले थे? आप लोग हैं कौन बताएंगे? CID। अच्छा सर, तो ऐसा बोलिए ना सर, सर अभी कुछ ही दिन पहले मिला था, पर बात क्या है सर? खून हो गया है, खून। खून? या खून, और उसी सिलसिले में हम रत्नेश को ढूंढ रहे हैं। कहाँ है वो? अरे पिताजी, ये लोग CID से हैं और रत्नेश के बारे में पूछ रहे हैं। सर ऐसे आदमी के बारे में क्या कह सकते हैं, कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं। ऐसा आदमी मतलब? सर वो बचपन से ही बहुत खतरनाक है, मतलब किसी की जान लेना उसके लिए आम बात है। क्यों, किसका खून किया है क्या उसने पहले? हाँ सर, पहले भी खून किया है। किसका खून किया है? अपने छोटे भाई का, और तब से फरार है, इसलिए उसे पुलिस पकड़ नहीं पाई है। अपने छोटे भाई का? कब? अभी कुछ 6 महीने पहले। लेकिन क्यों किया खून? सर क्यों खून किया ये तो पता नहीं, उसके डैडी ने किसी को बताया भी नहीं, और उसके बाद वो अपना शहर छोड़ के यहाँ चला आया। अपना शहर छोड़ के यहाँ पे क्यों, किसके आए थे यहाँ? बोल रहे थे रत्नेश का मेडिकल चेकअप कराना है। किस बीमारी का इलाज करवाना? जी रत्नेश हकलाता था और सर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। दिमाग की बीमारी थी तो फिर किस डॉक्टर का इलाज चल रहा था? सर वो तो मालूम नहीं। ये रत्नेश के मम्मी डैडी अभी कहाँ पे हैं? अपने घर पे होंगे। वो अपने घर पर नहीं है, उनका कोई नंबर है तुम्हारे पास? हाँ है ना सर। आप गलत पते पर आए, अरे बिना किसी जानकारी के इस तरीके से पूछताछ करना भाई बेवकूफी हुई ना। अब की बार हंसने से पहले 10 बार सोच लेना, समझा? लेकिन सर मैं किसी रत्नेश को नहीं जानता। ये नंबर तुम्हारा है जो सर्कल किया गया? हाँ सर ये नंबर मेरे ही है, लेकिन आपके पास कैसे है? आ गया। जिन जिन के नंबर्स है ये, उन लोगों ने रत्नेश को फोन किया था या रत्नेश ने उनको? दिन में 10-10 बार फोन किया जाता था इस नंबर से रत्नेश को, और तुम कहते हो कि तुम रत्नेश को नहीं जानते? इस रत्नेश ने खून किया है समझे? अब जो कुछ भी मालूम है रत्नेश के बारे में जल्दी बताओ। रत्नेश ने फिर से खून कर दिया। फिर से का क्या मतलब, पहले भी खून किया था इसने? सर उसको मेंटल प्रॉब्लम है, उसका दिमाग खराब है सर। बस वो यहाँ पे आया था ना तुम्हारे पास चेकअप करवाने के लिए? नहीं सर मेरे पास नहीं आया था सर, मैं सच कह रहा हूँ। इसका मतलब उसने शेखर से झूठ बोला? डॉक्टर साहब आपने कहा कि उसे दिमाग की बीमारी है जी, क्या एग्जैक्टली क्या बीमारी है उसे? सर उसे खून देख के
उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, वायलेंट हो जाता है, कंट्रोल के बाहर हो जाता है। इसी के चलते उसने अपने भाई को मार दिया 6 महीने पहले। भाई को मार दिया? कैसे? रत्नेश और उसका भाई शिप पर गए थे और फिर किसी ने कमरे में झांक कर देखा तो उसका भाई मरा पड़ा था। और रत्नेश कहाँ था उस वक्त? भाई की लाश के पास, और उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। लाश को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसमें सुइयां चुभी हो और रत्नेश ने उसका खून चूसा हो। सर अजीब पागलपन है, एक आदमी दूसरे आदमी का खून पी रहा है। तो इस पागलपन को रोकना पड़ेगा। सर रत्नेश के मम्मी डैडी की फोन की लोकेशन यही जगह बता रही थी, और इसके बाद फोन बंद हो गया, मतलब इन्हें आसपास ही होना चाहिए। अब अगर इतने सुनसान इलाके में वो लोग कर क्या रहे होंगे यहाँ पे? सब इतना यहाँ इकट्ठा करके रखा है एक साथ, कुछ गड़बड़ है। कार छुपा के रखी हुई है। काम करो, सब झाड़ियां वगैरह हटा लो। My God. लगता है ये दोनों रत्नेश के माता पिता हैं। कपड़ों और ज्वेलरी से तो ऐसा ही लग रहा है। हो सकता है, ऐसा लगता है 2-3 दिन पहले मौत हुई है इनकी। एक काम करो, कार में जितने भी फिंगरप्रिंट से सब उठा लो और कार के नंबर से पता लगा किसकी कार है ये। बस इन दोनों के शरीर में भी वैसे ही सुइयां चुभी गई हैं जैसे कि दिव्या के शरीर में चुभी गई। और सर ये बेडशीट पे और शर्ट पे जो खून लगा हुआ है वो इन लोगों का है। मतलब सर इस रत्नेश ने अपनी दिमागी बीमारी के चक्कर में अपने माँ बाप का खून कर दिया। और इन दोनों का भी वैसे ही खून चूसा गया है जैसे दिव्या का खून चूसा गया। ये तो क्या बोल रहा है सारुखी? क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहा हूँ भाई, मुझे डेड बॉडी जो बता रही है वही बोल रहा हूँ। सचिन ने कहा कि रत्नेश ने अपने माँ बाप का खून किया, अब तुम कह रहे हो कि रत्नेश ने अपने माँ बाप का खून चूस लिया? हाँ। यार ये सुनकर घिन आती है, ये कैसे हो सकता है? अरे नहीं यार सालुके, कोई अपने माँ बाप का खून चूस सकता है? अपने माँ बाप का? देखो बॉस, तुम मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस दो, तुम्हें मालूम है कई बार खूनी के दिमाग में कैसे कैसे फितूर होते, कैसे कैसे कीड़े कुल बुलाते हैं उनके दिमाग में, मालूम है तुम्हें ना? फिर भी सालुके ऐसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसे। एक काम करो, इस शेखर को फिर से ब्यूरो लेकर आओ, गर्दन पकड़ते उसकी, पता चलेगा ये रत्नेश है कहां पर। सब ये क्या हो सकता है? ये तो चेक करना पड़ेगा, चेक करने से ही पता चलेगा क्या है। सर मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई आदमी अपने माँ बाप का खून चूस ले। सचिन अगर इंसान की दिमागी हालत ठीक नहीं हो तो वो कुछ भी कर सकता है, उसे अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं रहती। सर ये रहा शेखर। शेखर बाबू, रत्नेश के माता पिता के बारे में तुम जानते थे ना? जानते थे या नहीं? जी जी सर। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? सर मैं इतना डर गया था कि मैंने आप लोगों को क्या बताया क्या नहीं बताया मुझे याद नहीं है सर। उसने अपने माँ बाप का खून कर दिया है, समझे? माँ बाप का खून कर दिया? हाँ माँ बाप का खून कर दिया। छुप के बैठा और उसकी कोई ना कोई तो मदद कर रहा है, और तुम जानते हो कौन मदद कर रहा है रत्नेश की, तो बता बता। नहीं सर मुझे कुछ मालूम नहीं सर। अच्छा, सिल्वर रंग की रिवेरा गाड़ी OHY 3765 रत्नेश की है ना? जी सर, लेकिन वो तो उनके माँ बाप के नाम पर। और भी कोई गाड़ी है उसकी? नहीं सर। नहीं सर, कुछ नहीं मालूम तुम्हें। ले जाओ इसे फ्रेडी, दूसरे कमरे में ले जाओ। चलो सचिन, अगर रत्नेश के पास सिर्फ एक ही गाड़ी थी और उस गाड़ी में उसने अपने माता पिता को मारकर उनकी बॉडी डाल ली,
तो फिर वो किसी दूसरी गाड़ी से भागा होगा ना, किसी टैक्सी वैक्सी से। एक काम करो, उसके फोटोज के 100-150 कॉपीज बनवाओ और सारे टैक्सी वाले उसको दे दो और उनसे कहो कि अगर किसी ने इसे देखा है या किसी की टैक्सी में ये बैठा है तो तुरंत हमें इन्फॉर्म करें। हैं? अबे सर, जब से रत्नेश भागा है तब से उसका मोबाइल फोन बंद है। ये रत्नेश के फोन रिकॉर्ड है ना? यस सर। इसमें जितने भी फोन नंबर्स हैं, उसमें दिव्या का फोन नंबर है? नहीं सर, रत्नेश के रिकॉर्ड्स में दिव्या का नंबर है ही नहीं, उसने दिव्या को फोन किया ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? दिव्या के दोस्तों ने तो बताया कि उसने दिव्या को फोन किया था। क्या था फोन उसने दिव्या को? सर हो सकता है उसने किसी और से फोन करवाया हो। सचिन काम करो, दिव्या के फोन रिकॉर्ड चेक करो, देखो उस दिन शाम को कहां कहां से फोन आए थे दिव्या को। सर उस दिन शाम को दिव्या को 12 लोगों ने फोन किया था, जिसमें से उसने सिर्फ 3 लोगों के फोन उठाए। 3 लोगों के? सिर्फ इन 3 लोगों के फोन उठाए दिव्या ने? तो फिर पता लगाओ ये 3 लोग है कौन। 1287493 नंबर तुम्हारा है? हाँ मेरा ही है, पर तुम कौन हो? CID से। घबराओ नहीं, बस इतना बताओ कि दिव्या को जानती हो? हाँ सर जानती हूँ, मालकिन है मेरी। अच्छा, कल शाम को तुमने दिव्या को 6 बजे फोन किया था क्या? फोन तो रोज ही करना पड़ता है उन्हें। क्यों? ये पूछने के लिए कि शाम को घर आ रही है कि नहीं, खाना बनाना पड़ता है मुझे। ठीक है, आप जा सकती हैं। अरे सुनो भाई साहब। हाँ सर, फोन किया था मैंने दिव्या जी को। क्यों, क्या काम? सर मेरा काम इंश्योरेंस का है, मैं लोगों को फोन करके पॉलिसी के बारे में बताता हूँ, पॉलिसी के लिए ही फोन किया था मैंने। ओह, तो तुमने मिलने के लिए फोन करके बुलाया था उसे? हाँ जी बुलाया था, पर वो मिलने आई नहीं। समीर। हाँ जी बोलिए। 1272927238 आप ही का नंबर है? हाँ जी नंबर तो मेरा ही है, क्या हुआ? तुमने कल किसी दिव्या नाम की लड़की को फोन किया था? कौन दिव्या? मैं किसी दिव्या को नहीं जानता। वैसे आप लोग कौन है? CID। CID? क्या हुआ सर? अरे तुम तो अभी से घबराने लगे, अभी तो बहुत सारे सवालों का जवाब देना है तुम्हें। चलो सर। सर जब मैंने कॉल किया ही नहीं है तो मैं कैसे कह दूं कि मैंने कॉल किया है? तुम्हारे मोबाइल फोन से कोई और कॉल कर सकता है? सर ये कैसे हो सकता है? सर नहीं हो सकता ना, ये सेल नंबर तुम्हारा है जी, ये दिव्या के फोन की कॉल लिस्ट है, इसका मतलब है दिव्या को कॉल तुमने किया था। सर ये कैसे हो गया? सर मैंने तो कॉल किया ही नहीं। देखो समीर, जब तक तुम सच नहीं बोलोगे CID से तुम्हारा पीछा नहीं छूटेगा, समझे? सर मैं सच ही बोल रहा हूँ। सर आजकल फोन हैकिंग इतनी बढ़ गई है, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कोई भी किसी के फोन के अंदर घुस सकता है, कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है। सुना तो हमने भी, और इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। पहले ये बताओ कि तुमने अपना मोबाइल फोन किसी और को दिया था? नहीं सर। सोच के बताओ, याद करो खून का मामला है ये। खून? हाँ सर याद आया, कल मैं ओशिवारा में ही था। ओशिवारा में शाम को 6 बजे के आसपास? हाँ सर, और सर वहाँ एक आदमी भी था सर, उसकी मोबाइल की बैटरी चली गई थी और उसने मेरा मोबाइल मंगा था सर कॉल करने के लिए। अभी अभी सोची ये कहानी ना। सर सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। कौन था वो आदमी? उस आदमी को नहीं जानते? नहीं। और बिना जान पहचान के तुमने अपना मोबाइल फोन उसे दे दिया? हा? सर मुझे लगा कि उस बेचारे को कोई जरूरी कॉल करना होगा। क्या वो आदमी यही था? कुछ कह नहीं सकता सर, शाम का वक्त था और अंधेरा हो चुका था, मैं ठीक से देख नहीं पाया। कुछ तो याद होगा उसके बारे में। हाँ सर याद आया, सर वो हकला के बोल रहा था। वो आदमी हकलाता था? हाँ सर वो हकला के बोल रहा था। तुम्हें पूरा यकीन? ठीक है समीर, उस आदमी के बारे में कुछ और पता चले तो हमें बता देना। जी। सर हमें उसे ऐसे ही समीर के ऊपर नजर रखना, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हाँ, और जैसे वो टैक्सी वाला बता दे कि वो
रत्नेश को उसने कहां पर छोड़ा है मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना, ओके? वो टैक्सी वाला मिल गया जिसकी टैक्सी में रत्नेश बैठा था। मैं एक बात बोलूं? ना बोलूंगा तो तू चुप रहेगा? नहीं नहीं, चुप तो नहीं रहूंगा, लेकिन ये बात कान में बोलने वाली है। कान में? क्यों? आओ ना यार, एक मिनट। कब? क्या है बताओ। बॉस, असली खूनी का पता चल गया है। ये कौन सी बड़ी बात है जो मेरे कानों में बता रहा है? अरे सबको मालूम है रत्नेश ही खूनी है, समझे? अरे यार, यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी यार, तुम बात को अच्छी तरह समझते नहीं हो। रत्नेश ने खून नहीं किया है। क्या सर, वो कैसे? बॉस, इन दोनों का खून किसी आदमी या औरत ने नहीं चूसा है। तो किसने चूसा है सर? बॉस, खूनी वहां पर। सही है, देखो यही आदमी बैठा था तुम्हारी टैक्सी में। हाँ साहब, यही आदमी बैठा था मेरी टैक्सी में। यही था ना? हाँ साहब, पक्का याद है। इतने भारी भारी बैग ले रखे थे, डिग्गी में रखते वक्त मेरी कमर दुखने लगी थी। ऐसा क्या भारी सामान हो सकता है? तुमने पूछा नहीं उससे? पूछा था साहब, कहने लगा अपने काम से काम रख, तुझे क्या लेना देना है, इसमें क्या है क्या नहीं। साहब ऐसे लग रहा था जैसे शहर छोड़ के जा रहा हो। कहाँ छोड़ा तुमने उसे? पाम क्रेन रोड पर साहब। पाम क्रेन रोड पे? वहां पे क्यों छोड़ा था? ये देखो, लीचेस। लीचेस से किए गए ये खून? बिल्कुल, इन लीचेस से खून हुआ है बस। यार सारुंखे, एक जोंक इतना सारा खून कैसे चूस सकती है जिससे कोई मर जाए? बॉस, एक जोंक तो इतना खून नहीं चूस सकती है, लेकिन 400 जोंक तो इतना खून चूस सकती है कि इंसान मर जाए। 400 जोंक? यार सारुंखे, जोंक लगने पर वो अपने आप को बचाने की कोशिश तो करेगा ना। लाशों को देख करके ऐसा लगता नहीं है कि इन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि इन्हें पहले बेहोश किया गया होगा? हाँ। और फिर जोंक लगाई? बिल्कुल। बड़ी अजीब बात है ना सरुखी, कि एक आदमी जिसे दिमाग की बीमारी है, क्या वो इतनी सारी प्लानिंग कर सकता है? नहीं सर, नहीं कर सकता। ये किसी और की चाल है, किसी और की चाल। रत्नेश को फंसाया जा रहा है। सर, इस पाम क्रेन रोड के आसपास तो कोई रेलवे स्टेशन भी नहीं है और ना ही कोई बस स्टॉप, और तो और एयरपोर्ट भी बहुत दूर है वहां से। अच्छा, तुम्हारी टैक्सी में बैठते वक्त या उतरते वक्त कुछ बात कर रहा था क्या? कहीं जाने का ही बात कर रहा था? साहब कुछ कहा भी होगा तो याद नहीं, 5 दिन हो गए इस बात को। एक मिनट, क्या कहा तुमने? साहब मैंने क्या कहा? नहीं, कितने दिन पुरानी बात है? 5 दिन पुरानी, दोपहर का वक्त था जब मैंने उसे वहाँ छोड़ा था। ये कैसे हो सकता है? 5 दिन पहले? शेखर ने हमसे कहा था कि रत्नेश 3 दिन पहले घर छोड़ के गया था, वो भी शाम को। मतलब जिस रात दिव्या का खून हुआ उस दिन रत्नेश शाम को नहीं बल्कि दोपहर को निकला था। हाँ, जिस रात खून हुआ रत्नेश कहीं और था, तो फिर रत्नेश खून कैसे कर सकता है? श्री शेखर झूठ बोल रहा है। बिल्कुल झूठ बोल रहा है, कुछ छुपा रहा है हम लोगों से। जरा पता करो ये शेखर इस वक्त है कहाँ पे। पैसा तो दो। सर, शेखर भी बाहर निकल के टैक्सी लेके कहीं निकला है सर। सर कहाँ निकला ये तो पता नहीं चल पाया सर। सर पर घबराया बहुत हुआ है सर वो। हाँ सर, हाँ सर, सर मैं टैक्सी ले रहा हूँ सर। टैक्सी
अभी उधर से एक आदमी भागते हुए आया, तुमने देखा है उसे? नहीं सर, नहीं देखा। अरे क्या बात कर रहे हो, 5.5 फीट का आदमी था और तुमने देखा ही नहीं उसे? सॉरी सर, हमने नहीं देखा। कहाँ शेखर? सर शेखर अंदर भागते हुए आया, बड़े लोग कह रहे उसे देखा ही नहीं। देखा नहीं, ये कैसे हो सकता है? एक आदमी अंदर भागते हुए आया और तुम लोग किसी ने भी नहीं देखा? सर मैं अभी अभी ड्यूटी पर आया हूँ सर, मुझे नहीं मालूम। क्या आंखों पर पट्टी बांध के रखी थी क्या? देखा नहीं। टैक्सी वाला कह रहा था कि उसने रत्नेश को यहीं आसपास ही कहीं छोड़ा है, तो हो सकता है रत्नेश इसी होटल में ठहरा हो और उसने शेखर को यहीं पर बुलाया हो पैसे लेकर और कपड़े लेकर। हाँ सर। हाँ जरा ये फोटोग्राफ देखो, ये आदमी यहाँ पे होटल में ठहरा हुआ है। हाँ हाँ सर, ये आदमी है यहाँ पे। किस कमरे में? कमरा नंबर 104 में है सर। चलो दिखाओ। चलिए सर। हाँ सर, इसी कमरे में है सर। तुम यहीं पर रुको। ओके सर। ताने अंदर कोई है या नहीं? अगर बाहर जाता तो कोई तो देखता उसे। निखिल तुम यहीं पर रुको, देखो कहीं वो बाहर नहीं। दे तोड़ दो दरवाजा। लौटियो प्लीज। अरे शेखर, शेखर क्या हुआ? माय गॉड, संभालो इसे। देखो रत्नेश कहां पर छुप के बैठा है क्या? हाँ जल्दी। ओह माय गॉड सर, आना सर जाइए। शेखर, शेखर तुम्हें मारा किसने? किसने मारा तुम्हें? आदे क्या हुआ? अरे यार रत्नेश तो नहीं है, ये देखिए। माय गॉड, इतने सारे जोक लीचेस, अरे आए कहां से? आइस बॉक्स। समझ गया खूनी कौन है। कौन है सर? चेहरा देखा था उसका? नहीं, उसने मास्क पहना हुआ था, उसकी जान खतरे में है। लेकिन शेखर सच बोल रहा है, खूनी कोई और ही है। इसे हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। अगर खूनी रत्नेश को मारने के लिए यहाँ से ले गया तो रत्नेश ने हल्ला क्यों नहीं मचाया? वो चुपचाप चला क्यों गया? यार रत्नेश कहीं नहीं गया है, वो छुप कर बैठा है इसी होटल में, ढूंढते हैं उसे। यहाँ पे ऐसे कोई जगह है जहाँ पर कोई जाता नहीं? हाँ सर, वहाँ पे एक बेसमेंट है, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है सर। आइए सर। मैं तुझे अपने हाथों से नहीं मारना चाहता था, इसीलिए मैं प्लानिंग करके तुझे फंसाता था ताकि तू जेल जाए और कानून तुझे फांसी के तख्ते पर लटका दे। कोई नहीं है ना रूम में? सर अभी तो कमरा खाली पड़ा हुआ है। उन्हीं ने रत्नेश को उसी कमरे में छुपा के रखा होगा। अफसोस के तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। नहीं, मुझे चुप छोड़, किसी से नहीं कहूंगा। दूर चला जाऊंगा हमेशा के लिए, मुंह नहीं दिखाऊंगा। तेरा मुंह तो मैं बंद करूंगा हमेशा हमेशा के लिए। लोग तो तुझे ही खूनी समझते हैं ना, तेरी मौत के बाद अब ये शक यकीन में बदल जाएगा। उन्हें तो यही लगेगा कि इतनी सारी मौत का भार तू झेल नहीं पाया, इसलिए आत्महत्या कर ली। hey!
जल्दी। जानना चाहते हो ना कौन है ये किलर? मास्क उतारो और देखो। जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ क्यों मारा तुमने इतने लोगों को? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? सर, किसी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, बस रत्नेश को फंसाने के लिए मैंने ये सारे खून किए। रत्नेश को क्यों फंसाना चाहते थे तुम? क्योंकि सर रत्नेश मेरा सौतेला भाई है। मेरी माँ के मर जाने के बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। फिर रत्नेश और मेरे बीच में बचपन से ही झगड़े होते थे, मारामारी भी होती थी सर। इसके चलते पापा ने मुझे अपने आप से अलग कर दिया और मेरे चाचा के पास मुझे भेज दिया। चाचा को कोई औलाद नहीं थी, इसलिए चाचा ने मुझे गोद ले लिया। इसी की वजह से मुझे अपने पापा का प्यार कभी नहीं मिला। इसीलिए मैंने उसी दिन ठान लिया कि इसका बदला मैं जरूर लूंगा, इससे भी चैन से नहीं रहने दूंगा। और इसीलिए तुम रत्नेश बनकर लोगों को मारने लगे? उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि उसे आसानी से फंसाया जा सकता है। इसीलिए मैंने रत्नेश के भाई का पहले खून किया और इल्जाम रत्नेश पर लगा दिया। बेचारे मम्मी डैडी, उनका लगा कि ये खून रत्नेश ने किया है क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, और फिर तुमने मम्मी डैडी का भी खून कर दिया ये सोचकर कि लोगों को लगेगा कि उनका खून भी रत्नेश ने किया है, और फिर रत्नेश अकेला पड़ जाए और तुम उसे मार दो। सर, इसे मारना होता तो मैं कब का मार देता, लेकिन हर बार शेखर ने इसे बचा लिया। और वो लड़की दिव्या, उसे क्यों मारा तुमने? दिव्या को मैंने इसलिए मारा ताकि लोगों का शक पक्का हो जाए कि सारे खून रत्नेश ने ही किया है। वाह, प्लानिंग तो तुमने बहुत अच्छी की थी। तुम्हारा एक एक पत्ता सही जगह पे जाकर बैठ रहा था, लेकिन तुम्हारा वो आइस बॉक्स जिसमें तुमने जोंक लाई थी, वो लीचेस उसने फंसा दिया। रत्नेश को फांसी पर लटका के मारने की कोशिश कर रहे थे ना तुम? लेकिन अब तुम लटकोगे फांसी पर, तुम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।